नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को बंद किए जाने व पेयजल टैंकों में मिले कैलिफार्म से नाराज कांग्रेसियों ने आज पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश पंत की अगुवाई में कलेक्ट्रेट के निकट प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। इससे पूर्व हुई सभा में पूर्व जिलाध्यक्ष पंत ने कहा कि आमजनों गरीबों को सस्ती व जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने को लेकर जन औषधि केंद्र खोला गया है। उन्होंने बगैर किसी कारण के केंद्र को बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि इसके बंद होने से आमजन को दवाओं को लेकर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शीघ्र केंद्र को खोले जाने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीते दिनों पेयजल टैंकों में कैलिफार्म की मात्रा पाए जाने पर भी चिंता प्रकट करते हुए दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। प्रदर्शन के उपरांत इस आशय का एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। प्रदर्शन करने वालों में कांग्रेस के निषिद्ध प्रेदी राजेश शर्मा, उमेश जोशी, मनोज खाती, जीत शर्मा, अनिल चंद, लक्षित नेगी, आयुष कुमार, रोहित कुमार, नरेश कुमार सहित कई कांग्रेसी शामिल थे। विषय है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से जिसे आमजन के हित के लिए शुरू किया गया था, आज हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह जन औषधि केंद्र बंद पड़ा हुआ है। सस्ती दवाएं इसमें मिलती थी और जनता एक तरीके से इससे महरूम है। दूसरी, हमारी जो यहाँ पे आज प्रदर्शन था, जो पेयजल टैंकों में कैलिफॉर्म जो बैक्टीरिया आया जिसके कारण पीलिया और टाइफाइड के यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट बड़े हुए हैं, इसको लेकर प्रशासन कतई गंभीर नहीं दिखता है। हमारा कहना है कि अगर इन दोनों मामलों में जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो इसके खिलाफ हम पूरा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के रोडवेज बस अड्डे के सौंदर्यीकरण कार्यों का आज जिलाधिकारी रीना जोशी ने स्थलीय निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान जिलाधिकारी ने परिसर में बनकर तैयार हो चुके यात्री सेट का रंग रोगन कर 10 दिनों के भीतर यात्रियों के लिए चालू करने व बस अड्डा मैदान का सुदृढ़ीकरण का कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान लोनीवी के अधिशासी अभियंता MC तिवारी ने बताया कि बस अड्डे के सौंदर्यीकरण का कार्य जिलाधिकारी द्वारा दी गई अंडाइट फंड की 58 लाख की धनराशि से किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने एक माह के भीतर कार्य पूर्ण कर लेने की बात कही। निरीक्षण के दौरान स्टेशन प्रभारी ने जिलाधिकारी के सम्मुख बस अड्डे परिसर में शौचालय निर्माण की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने नगर पालिका के माध्यम से शौचालय निर्माण की बात कही। पिथौरागढ़ के बेरीनाग विकासखंड के उटियारी गाँव निवासी 29 वर्षीय आसाम में तैनात IIT के दिवंगत जवान संतोष मेहरा की थल रामगंगा घाट में आज सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। IIT जवान के निधन से क्षेत्र में शोक व्याप्त है और परिजन बेसुध हैं। 5 दिवस पूर्व संतोष मेहरा आसाम में एक वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बुधवार सुबह उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आज शुक्रवार को संतोष का पार्थिव शरीर पैतृक गाँव उडियारी पहुँचा। पार्थिव शरीर के गाँव में पहुँचने पर कोहराम मच गया। मृतक जवान का 1 वर्ष का पुत्र है। उनकी पत्नी व माता पिता बेसुध हैं। थल के रामगंगा घाट में दिवंगत जवान की सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। अंत्येष्टि में स्थानीय विधायक फकीर राम टंडा सहित विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद थे। अल्मोड़ा SSP प्रदीप कुमार यादव के निर्देशन में पुलिसकर्मी मानवीय कार्यों में भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसके तहत आज अल्मोड़ा यातायात कर्मी मोहन राम अपनी ड्यूटी को बाजार को जाते समय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के निकट सड़क किनारे बंद पड़ी नाली के कारण काफी कीचड़ व पानी फैल रहा था और दुर्घटना की आशंका बनी थी, जिस पर यातायात कर्मी ने स्वयं नाली की सफाई कर रुके हुए पानी को सुचारू कराया, जिसको लेकर यातायात कर्मी द्वारा किए गए कार्य की लोगों द्वारा सराहना की गई। पिथौरागढ़ में अपने पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और मिशन मर्यादा अभियान के तहत 21 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार धार्मिक, पर्यटक व सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करने व मादक पदार्थों का सेवन कर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे मिशन मर्यादा अभियान के तहत 21 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त हाईवे पेट्रोल टीम द्वारा हेड कांस्टेबल बसंत कुमार द्वारा चेकिंग के दौरान आरोपी रिजवान अंसारी निवासी रई को अपने पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया। पनार चौकी क्षेत्र में एक नाबालिग को कार चलाते पाए जाने पर चौकी प्रभारी SI हरीश सिंह और हेड कांस्टेबल राजपाल व टीम द्वारा वाहन को सीज कर नाबालिग के अभिभावकों को बुलाकर चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही भविष्य में नाबालिगों को वाहन न देने की हिदायत भी दी गई। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।